नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो शनि उदय हो रहा है कुंभ में 5 मार्च को, उसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। आइए सुमित बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शनि उदय हो रहा है कुंभ में 11 नंबर में एक्वेरियस में 5 मार्च को, इसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। तो पहले तो पॉइंट्स बता दूं, उदय होता क्या है दोस्तों। एक होता कंबशन, यानी कि अस्त होना, यानी कि अपनी रोशनी खो देना। एक होता उदय, कंबशन से बाहर होना। तो मैंने आपको अपनी जो हमने वीडियो बनाई थी मार्च 2023 की, उसमें आपको एक बात बताई थी उदय होता क्या है, कि जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाता है, बहुत क्लोज प्रॉक्सीमिटी में आता है, करीब 15 डिग्री के अंदर अंदर दोनों आ जाते हैं, तो सूर्य की गर्मी की वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से, उस प्लैनेट की अपनी जो वो है क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज, वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। और लेकिन जैसे ही सूर्य से दूर जाता है ट्रैवलिंग करते हुए, सूर्य से दूर निकल जाता है, उसको अपनी सारी क्वालिटीज़ वापस मिल जाती है। तो उसकी अच्छी क्वालिटीज़ हो या बुरी क्वालिटीज़ हो, वो निखर कर आती हैं, उभर कर आती हैं। दोस्तों अब क्या था कि आप देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर में शनि और सूर्य दोस्तों बहुत नज़दीक थे, तो जिसकी वजह से दोस्तों शनि जो था अस्त था, यानी कि कंबस था, कंबशन में था। लेकिन 5 मार्च को दोस्तों जैसे ही सूर्य करीब करीब 12 नंबर में आने की तैयारी कर चुका है, शनि से दोस्तों दूर जाएगा, तो शनि जब वापस उदय हो जाएगा, मीन्स कंबशन से बाहर आ जाएगा। तो जिनके लिए पॉजिटिव है उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, जिनके लिए नेगेटिव है उनके लिए ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, जिनके लिए न्यूट्रल है उनके लिए न्यूट्रलिटी में इसका फर्क पड़ेगा। दोस्तों हर प्लैनेट कभी ना कभी दोस्तों अस्त होता ही है। वो बुध तो दोस्तों ऑलमोस्ट अस्त रहता है, बिकॉज सूर्य के बहुत नज़दीक होता है। शुक्र भी दोस्तों करीब करीब अस्त रहता ही है, सूर्य के दोस्तों बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। तो इसका मतलब ये दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, जैसे गुरु शुक्र ये सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, तो शुक्र भी बुध भी, तो तकरीबन हर कुंडली में आपको अस्त या कंबस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शनि दोस्तों कभी कभी अस्त होगा, सालों में एक बार होता है, और दोस्तों लेकिन बुध और शुक्र ये तकरीबन हर कुंडली में आपको कंबस मिलेंगे, तो इनकी क्वालिटीज अच्छी या बुरी वो मतलब दबी रहती है ज़्यादातर। चलिए फर्स्ट पॉइंट है सन मरकरी शनि इन एक्वेरियस आफ्टर 30 ईयर्स, मतलब ये तीनों प्लैनेट सूर्य बुध और शनि पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं एक्वेरियस कुंभ में 30 सालों के बाद। हाँ। और दूसरा पॉइंट आपने लिखा है शनि एस्पेक्ट एरीज थर्ड एस्पेक्ट, शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है एरीज को, सातवीं दृष्टि से देख रहा है लियो सिंह को, और वृश्चिक स्कॉर्पियो को देख रहा है दसवीं दृष्टि से। केतु एस्पेक्ट ऑन शनि सन मरकरी कॉन्टिन्यूस, केतु का जो एस्पेक्ट है दृष्टि वो इन तीनों पर रहेगी। हाँ। अभी बस दोस्तों एक सेकंड में समझाता हूँ आपको, तो क्योंकि शनि कुंभ में पहली बार आया, 30 सालों में पहली बार आया, तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है ये जो कंजंक्शन हुआ यहाँ पे सूर्य बुध को शनि का पहली बार कंजंक्शन हुआ है। और दोस्तों अब शनि क्योंकि उदय भी हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर कंजंक्शन कई राशि वालों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम इंडिविजुअल जब वीडियो बनाएंगे मार्च की तो बात करूँगा, मैं इसमें भी समझाऊंगा आपको, लेकिन ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन शनि के उदय होने के बाद, कंबशन से बाहर आने के बाद, राइज होने के बाद, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन 30 साल के बाद हुआ, 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन, बहुत फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन है दोस्तों, बहुत मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए शनि का जो एस्पेक्ट है, शनि के दोस्तों 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट, ये दोस्तों एस्पेक्ट है, ये शनि का एस्पेक्ट है दोस्तों। तो देखिए 3rd एस्पेक्ट से शनि जाएगा, अपने 3rd एस्पेक्ट से देखेंगे दोस्तों मेष राशि को, एरीज को, जो कि इसकी नीच की राशि यहाँ पे राहु भी है, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी यहाँ पे। तो 7th एस्पेक्ट जाएगा लियो के ऊपर, जो कि सूर्य की राशि, अगेन एनिमिक साइन। और जो 3rd एस्पेक्ट जो है इसका, 10वीं दृष्टि जाएगी स्कॉर्पियो के ऊपर, जो कि अगेन मंगल की राशि है, वो भी एनिमिक राशि है। तो चांस के बाद दोस्तों चाहे वो एरीज की बात करें, लियो की बात करें, स्कॉर्पियो की बात करें, तीनों शनि की एनिमिक राशि है, तीनों शनि की एंटाई राशि है, तो दोस्तों इनका थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ेगी इनके लिए। दोस्तों केतु का जो एस्पेक्ट है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, जैसे केतु का एस्पेक्ट शनि पे भी रहने वाला है, सूर्य पे भी रहने वाला है, बुध पे भी रहने वाला है। तो जब तक सूर्य बुध यहाँ पे दोस्तों इफेक्ट रहेगा यहाँ पे, शनि दोस्तों अभी अगले 2.5 साल के लिए यहाँ पे रहने वाला है, मार्च 2025 तक। तो केतु का एस्पेक्ट दोस्तों अभी भी शनि के ऊपर रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि शनि उदय का सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, और जो लोग नए जुड़े हो हमारे चैनल से, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हमारी वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आप लाइक कीजिए। यह है लग्न और यह है इसका हाउस एस्पेक्ट, हाउस यहाँ पे उदय हो रहा है। चलिए फर्स्ट नंबर एरीज, इनके 11th हाउस में उदय हो रहा है, तो इनके लिए कैसा रहेगा? 11 तो इनकम के लिए होता है। दोस्तों अब देखिए शनि यहाँ पे 10th और 11th का लॉर्ड बनता है,
इलेवेंथ हाउस में उदय होना मतलब मैंने बताया कि जिस हाउस की इसको लॉर्डशिप मिलेगी, जिस राशि की लॉर्डशिप मिलेगी उसकी क्वालिटीज निखर कर रहेंगी। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पे इलेवंथ हाउस में इसका उदय होना है मतलब इनकम, इलेवंथ इनकम और गेन, तो यहाँ पे इनको दोस्तों इनकम बढ़ने वाली है और कोई पेमेंट यहाँ पे वापस आ जाएगी, स्टॉक मार्केट से यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ा चेंज है दोस्तों, शनि अपने इलेवंथ क्रॉड इलेवंथ हाउस में, कई हो सकता है दोस्तों आपके बड़े जो आपके भाई बहन हैं उनसे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, पापा के जो छोटे भाई बहन चाचा ताऊ मतलब अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है वहाँ से अपने को बेनिफिट मिल जाएगा शायद दोस्तों, वैसे बुजुर्गों को ही डिनोट करके चलता है। तो दोस्तों एरीज वालों के लिए बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हम बनाएंगे मंगल की वीडियो, मंगल भी अब चेंज होने वाला 3 महीने के बाद, मंगल दोस्तों मिथुन राशि में आ जाएगा तो उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों एरीज का 11th हाउस में ये होना उदय होना शनि का, ये एरीज वालों को दोस्तों लॉटरी लग जाएगी यहाँ पे, इनकी इनकम में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिनकी जॉब नहीं थी उनको जॉब लग जाएगी यहाँ पे, तो अच्छे के लिए हो रहा है दोस्तों यहाँ पे उदय, क्वालिटी बढ़ेगी यहाँ पे। चलिए सेकेंड नंबर टॉरस क्या हो गया, टॉरस वृषभ, इनका 10th हाउस में हो रहा है प्रोफेशन वाले हाउस में, तो इनके लिए कैसा रहेगा शनि उदय होना? तो देखिए टॉरस की बात करें, मैंने आपको एक बात हमेशा बताइए कि टॉरस हो या लुब्रा हो यानी कि तुला हो, इसमें जो शनि होता है त्रिकोण और केंद्र का लॉर्ड बनता है दोस्तों, तुला के अंदर 4th और 5th का लॉर्ड, टॉरस के अंदर 9th और 10th का लॉर्ड, तो मतलब बहुत यूजफुल प्लैनेट है, बहुत पैसा के लेके बैठे हुए, बहुत लक लेके बैठे हुए दोस्तों। प्रोफेशन का लॉर्ड अपने ही हाउस में कहीं ना कहीं उदय होना, राइज होना, स्ट्रॉन्ग होना मीन अब जॉब की दिक्कत दोस्तों यहाँ पे दूर हो जाएगी, जिनके साथ लीगल इशू चल रहे थे उसमें खात्मा हो जाएगा, कम हो जाएगा उसके अंदर, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही थी या जॉब में जिनकी तरक्की नहीं हो पा रही थी उनके प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, शनिदेव के आशीर्वाद रहा दोस्तों, उनका 10th हाउस में बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि 10th है शनि दोस्तों 4th हाउस को देखेगा तो प्रॉपर्टी की समस्या भी दोस्तों यहाँ से दूर हो जाएगी, तो बहुत बड़ा चेंज इनको दोस्तों यहाँ पे मेन जो जॉब की और ऑफिस के अंदर बॉसेस के साथ दिक्कत थी वो खत्म, लीगल की दिक्कत खत्म, प्रतिष्ठा यहाँ पे बढ़ेगी इनको, तो अच्छा वाला चेंज होने वाला है यहाँ पे। चलिए मतलब टॉरस वालों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। अब हम आते हैं थर्ड नंबर जेमिनाई मिथुन, बुध की पहली राशि, इनके 9th हाउस में उदय होगा, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये? देखिए बुध के जो बनता है कुंभ राशि जहाँ पे शनि है ऑलरेडी दोस्तों 9th, तो दोस्तों 9th हाउस जो होता है हमारी कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है, सबसे ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हाउस है, उसको भाग्य स्थान कहा जाता है, धर्म स्थान कहा जाता है दोस्तों। भाग्य में वृद्धि, धर्म के अंदर वृद्धि, पापा की एज के अंदर वृद्धि, पापा के हेल्थ के लिए बेनिफिट, हार्ट स्टडीज़ को दोस्तों यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा था, जो दोस्तों एक मास्टर्स करना चाहते थे, डिप्लोमा करना चाहते थे, डिग्री लेना चाह रहे थे, कुछ भी रिसर्च करना चाह रहे थे, दोस्तों बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा उनके लिए। तो अगर हम इन तीनों की बात करें हो सकता है जेमिनाई को सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा 6 मार्च आते आते, बिकॉज इनका यहाँ पे भाग्य उदय हो जाएगा। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे शनि 9th हाउस से 11th हाउस को हमें देखेगा तो अपने को इनकम में भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, तो भाग्य का साथ यहाँ मिलने वाला है, जो अब तक भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा अच्छे से वो भाग्य आपका साथ दे, मतलब जेमिनाई वालों के दो हो गई डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का लग्नों को जानने के लिए कि शनि उदय का इन सब पे क्या असर रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप चाहें तो मैं ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए कि 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 नंबर कैंसर कर्क, इनके 8th हाउस में हो रहा है तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा। 8th हाउस तो डीप स्टडीज के लिए होता है, रिसर्च के लिए दोस्तों। अब जैसे प्रज्वल बताया आपको यहाँ पे कैंसर होता है 8th हाउस, जो कि डीप स्टडीज, रिसर्च, इंटरनल ट्रेवलिंग दोस्तों, जो गूढ़ विद्या ग्रहण करनी होती है दोस्तों, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे तो दोस्तों किसी तरह की गूढ़ विद्या करना चाह रहे थे, डॉक्टर्स बनना चाह रहे थे, साइंटिस्ट बनना चाह रहे थे, मतलब डीप स्टडी करना चाह रहे थे, उनको यहाँ पे दोस्तों बेनिफिट, बिकॉज 8th हाउस की क्वालिटीज यहाँ पे बढ़ जाएंगी। और दूसरी बात 8th हाउस होता है हमारा कहीं ना कहीं एज को डिनोट करता है, तो जो अपनी हेल्थ से ज़्यादा परेशान थे, ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे, यहाँ पे हो सकता है दोस्तों उनका भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो बिल्कुल कहते हैं कि दोस्तों कि एक इंसान जाता हो वापस आ गया, तो कई बार ऐसे मिरेकल हो जाते हैं दोस्तों, ये मिरेकल हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, थर्ड आई आपकी यहाँ पे खुल सकती है, आने वाली घटनाओं को आपको पहले ही मालूम चल जाएगा। तो ये बेसिकली डीप जो चीज़ें होती है दोस्तों आपके कहने के बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चलती है, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात स्टडीज़ का यहाँ पे बेनिफिट, और अक्रॉस द सी यानी कि समुद्री यात्रा, पहले के ज़माने में दोस्तों समुद्री यात्रा हुआ करती थी, यानी कि आपको अक्रॉस द ग्लोब कॉन्टिनेंट्स एशिया यूरोप यहाँ पे घूमने का मौका मिल जाता है किसी काम का, तो ये अच्छा चेंज होने वाला है। बेसिकली ये पैसे ज़्यादा दोस्तों आपकी स्टडीज़ के लिए और आपकी एज को यहाँ पे पुशअप मिलने वाला है। चलिए कैंसर कर का भी हो गया। अब आते हैं हम लिफ्ट 5th नंबर लियो सिंह, इनका 7th हाउस में उदय हो रहा है, तो इनके लिए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा इनके लिए भी, इनकम के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए। हाँ दोस्तों 7th हो गया मैरिज का लॉर्ड दोस्तों मैरिज हाउस के अंदर, ठीक है दोस्तों, मैरिज को बेटर कर देगा, बेडरूम को बेटर कर देगा, शादी नहीं होती शादी को बेटर कर देगा, पार्टनरशिप बिजनेस था वहाँ पर बेटरमेंट आ जाएगा,
डायरेक्टरशिप थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी आपके दोस्तों, वहाँ पे बेनिफिट। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि शनि आपको पावरफुल हो गया, उदय हो चुका है। तो सेवंथ का शनि दोस्तों देखेगा फर्स्ट हाउस, तो यहाँ पे लियो साइन है आपका फर्स्ट, तो हेल्थ में दोस्तों डेट डाल सकता है। तो आपका सर वाला एरिया, आँखें, ब्रेन, सर, हेयर फॉल, इन तरह की चीज़ों की दिक्कत ना है आपके साथ। हेल्थ थोड़ी सी मुझे लगता है दोस्तों डाउन जा सकती है, बट अदरवाइज दोस्तों हम देखें सेवंथ हाउस जो होता है प्रोफेशन का भी होता है, ऑक्यूपेशन का भी होता है, डेली इनकम का भी होता है, आपके प्रोफेशन का, इन चीज़ों में पुशअप मिलने वाला है। हेल्थ का हमने ध्यान में देकर चलना है, अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आती। बस हमने अपना सर वाला पार्ट अगर हम कंट्रोल कर लें, ENT का पार्ट कंट्रोल कर लें, खांसी जुकाम, फीवर, वायरल फीवर, ये अगर बच जाए हम लोग, तो ये वाला चेंज आपकी शादी को स्टेबिलिटी लेकर आएगा और शादी के यहाँ पे चांसेस बना के चलता है। चलिए, लियो वालों के लिए भी अच्छा, मतलब जिनकी मैरिज नहीं हो रही उनके मैरिज के अब चांसेस बन जाते हैं। चलिए, सिक्स नंबर वर्गो कन्या, बुध की दूसरी राशि, इनके सिक्स हाउस में उदय हो रहा है, तो सिक्स तो बीमारियों के लिए, डेब्ट्स के लिए होता है, क्या इनको रिलीफ मिलेगा अबे दो इन सब चीजों से? हाँ, यहाँ पे दो तरीके दोस्तों बात होने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्गो में क्या है कि यहाँ पे सिक्स हाउस में है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करेंगे वर्गो लॉर्ड दोस्तों बनता है बुध, और बुध साथ में ही है, तो यानी कि सिक्स हाउस में और सिक्स हाउस के लॉर्ड के साथ बुध का आना, तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये आपकी किडनी वाला एरिया, इंटेस्टाइन वाला एरिया, ये परेशानी पैदा करेंगे, बिकॉज सिक्स हाउस यहाँ पे मजबूत हो गया। हालांकि अपने साइन में है तो इसको क्रॉनिक नहीं बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनको दोस्तों अपनी हेल्थ का पूरा यहाँ पे ध्यान रखना, स्पेशली जब हम देखते हैं सूर्य भी यहाँ पे जो कि 12th एक्सपेंसेस का लॉर्ड है, बुध है जो कि आपके सेल्फ, आपके फिजिकल बॉडी का लॉर्ड, और सिक्स हाउस का लॉर्ड तो है ही बीमारी का लॉर्ड। तो दुश्मन ना परेशान करें आपको, आपके कहीं ना कहीं सिक्स हाउस से रिलेटेड जो होते हैं इंटेस्टाइन, लीवर, लेडीज़ की अगर हम लोग बात करें, यूट्रस या गॉल ब्लैडर की बात करें, वो अगर हम लोग बचा के चले यहाँ पे, उस पर अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज़ ऑलरेडी, या लोग परेशान हैं, स्टोन से परेशान हैं, किडनी के स्टोन से परेशान हैं, वो चीज़ यहाँ पे सामने उभर कर आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिक्स का लॉर्ड जो कि शनि ऑलरेडी है यहाँ पे, तो चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं आने देता, वो एक टॉलरेबल लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, तो संभलने लगे, ये थोड़ा सा इनको संभल कर चलने वाला टाइम है। दोस्तों ये हमने जब बनाई थी साप्ताहिक वीडियो बनाई थी, जब बुध की वीडियो भी बनाई थी हमने, जब तब भी मैंने वर्गो वालों को एक बात कही थी, ये वाला टाइम थोड़ा हेल्थ को संभाल के चलने वाला टाइम, तो थोड़ा सा अपने को बच के चलना। सॉरी, चलिए हाफ पार्ट हमारा हो गया, अब सेकेंड हाफ हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चलिए, सेवन नंबर लिब्रा तुला, इनका फिफ्थ हाउस में उदय होगा, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, थॉट्स के लिए, थिंकिंग के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए। तो ऐसा बताया था कि टॉरस और लिब्रा दोस्तों इनकी कुंडली में, इनके लिए जो शनि बनता है त्रिकोण केंद्र, लिब्रा का दोस्तों साइमल्टेनियस लॉर्ड बनता है फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ गेंस, गेंस फ्रॉम मदर, गेंस फ्रॉम प्रॉपर्टी, लव लाइफ, लक, पढ़ाई लिखाई, और जो दोस्तों होते हैं मीडिया के लोग, जर्नलिज्म के लिए, उन सबको यहाँ पे शनिदेव डिनोट करते हैं। तो अपने ही हाउस के अंदर मजबूत होकर निकलना, अपनी क्वालिटीज़ को वापस पा लें दोस्तों, ये काम बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। लक, पढ़ाई लिखाई, स्टूडेंट जिनके 12th एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, 10th एग्जाम चल रहे हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट, जो लोग जर्नलिज्म के अंदर हैं, जो लोग CA हैं, जो लोग फिनेंस के फील्ड के अंदर, राइटिंग फील्ड के अंदर है, ड्रामा के साथ है, थिएटर्स के साथ है, उनको दोस्तों बहुत बड़ा पुशअप मिल जाएगा यहाँ से दोस्तों। फादर से बेनिफिट, मदर से बेनिफिट, खुद से बेनिफिट, दिमाग की बत्ती जलना दोस्तों, ये काम यहाँ पे, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट, बस इतना मैं ध्यान में रखना कि फिफ्थ हाउस दोस्तों होता है पेट का, साथ में सूर्य भी एक गर्म प्लैनेट दोस्तों, शनि है ठंडा प्लैनेट, तो पेट में गड़बड़ हो सकती है, पेट का हमें संभाल कर चलना यहाँ पे। वहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ कह सकता है, फूड पॉइजनिंग काइंड ऑफ अ थिंग, इस तरह की चीज़ें, तो हमें ठंडे और गर्म को आपस में मेंटेन करके चलना, ज़्यादा ठंडा नहीं पीना, वरना ये जो शनिदेव या जो सूर्य की प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा गर्म नहीं लेना, शनि से प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें बिल्कुल मेंटेन करके चलना है। दोस्तों ठंड भी नहीं है ज़्यादा, गर्मी भी नहीं है ज़्यादा, अभी तो अपने को संभाल के चलना सारा कुछ। तो लिब्रा के लिए दोस्तों फिनेंशियली बहुत बढ़िया टाइम, और हर लिहाज से टाइम बढ़े, बिकॉज शनि यहाँ पे अपनी पूरी पावर में आने के बाद आपकी कर देगा बल्ले बल्ले। चलिए, मतलब इनकी भी हो गई डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले, ये नया काम कर सकता है कोई करना चाहे तो। बिल्कुल। एट नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, मंगल की दूसरी राशि, इनके तो फोर्थ हाउस में उदय हो रहा है, मतलब ये अगर प्रॉपर्टी लेना चाहे तो ले सकते हैं, इनका प्रॉपर्टी वाला पार्ट एक्टिवेट होता है दोस्तों। यहाँ भी दो चीजें अच्छी बात का दोस्तों बताया प्रतिभा ने आपको, प्रॉपर्टी वाला पार्ट दोस्तों, प्रॉपर्टी रेनोवेट करना चाहते हैं, अपनी लेना चाह रहे थे, मूव करके बड़ी प्रॉपर्टी में जाना चाह रहे थे, या अब तक रेंटल में थे, अपनी लेके बेचना चाह रहे थे, तो कुछ भी ऐसा काम जो ज़मीन जायदाद से जुड़ा होता है दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। गाड़ी परचेज करना चाह रहे थे, यहाँ पे हो जाता है। गाड़ी की सेल परचेज में थे, प्रॉपर्टी डीलर हैं अगर आप रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं अगर आप, इस तरह की चीज़ों में, तो एक टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। लेकिन दोस्तों क्योंकि फोर्थ हाउस आपके मन का भी होता है, फोर्थ हाउस आपके चेस्ट का होता है, फोर्थ हाउस आपके लंग्स का होता है, दोस्तों सूर्य हो गया गर्म प्लैनेट, शनि होगा ठंडा प्लैनेट, केतु होगा दोस्तों गर्म प्लैनेट, तो यहाँ पे दोस्तों चेस्ट कंजेशन बहुत जल्दी होता है, फेफड़ों में कंजेशन हो जाता है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, वो हमें ध्यान में देकर चलना है।
कि आपके लंग्स इफेक्टेड ना हो। तो वो सभी लोग जो दोस्तों फुल टाइम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगार लेते हैं, इस तरह की चीज़ों में, तो उनको इसे अवॉइड करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे लंग्स बहुत तेज़ी के साथ इफेक्ट होंगे। बिकॉज सूर्य भी यहाँ पे है, बुध तो ऐसे ही रहकर दोस्तों जैसे बाकी प्लैनेट होते हैं, और शनि भी है, तो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो ये वाला दोस्तों प्रॉपर्टी के लिए टाइम अच्छा, हर चीज़ से टाइम अच्छा, सुख स्थान में टाइम अच्छा, नौकर चाकर का सुख, लेबर का सुख, स्टाफ का सुख, वो सब मिल जाएगा। बस हमें अपने यहाँ पे लंग्स का और अपने मन का ध्यान में रखना है कि मन हमारा भटके ना। बिकॉज दोस्तों होता क्या है कि बुध हो गया बहुत तेजी से मूव करने वाला प्लैनेट, और शनि हो गया बहुत स्लो चलने वाला प्लैनेट, तो मन दोस्तों एक जैसा नहीं रहता, कभी बहुत डार्क, कभी बहुत ज्यादा लाइट। बिल्कुल, फोर्थ हाउस वैसे सेंटीमेंट्स इमोशंस का रहता है, क्योंकि मन से जुड़ी हुई चीजें सारी है वाली। बिल्कुल, नाइन नंबर सजिटेरियस धनु, बुध की पहली राशि, इनका थर्ड हाउस में उदय हो रहा है। तो थर्ड हाउस में क्या बेनिफिट होगा, वो सेल्फ के लिए होता है, ट्रेवलिंग के लिए होता है? तो थर्ड के अंदर जब शनि वापस से डायरेक्ट नहीं राइज हो जाएगा दोस्तों, तो थर्ड हाउस को दोस्तों हम लोग कहते हैं साहस स्थान, मीन्स करेज वाला हाउस। दोस्तों करेज यहाँ पे बढ़ती है थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग यहाँ बढ़ जाएगी, बिकॉज थर्ड की क्वालिटीज दोस्तों निखर कर आएगी। ट्रैवलिंग होगी दोस्तों, अपने सेल्फ के पावर यहाँ पे बढ़ गई, सिबलिंग्स छोटे भाई बहन या भाई बहन से दोस्तों यहाँ पे मदद मिल जाती है, वो अपने को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। और क्योंकि दोस्तों थर्ड हाउस आपके इसको डिनोट करते हैं, ये थायराइड वाले एरिया को, आपके इसको थ्रोट वाले एरिया को, वहाँ पे दोस्तों हो सकता है प्रॉब्लम हो थोड़ी। तो जिनको ऑलरेडी दोस्तों अगर आपने देखा, इनको कई बार थायराइड के बाद गला बिल्कुल सूज जाता है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल बाहर निकल आता है, तो ऐसे वाले जो थायराइड है दोस्तों उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पर्टिकुलरली चेंज ये घूमने फिरने के लिए ज़्यादा डिनोट करता है, सेल्फ की पावर को ज़्यादा डिनोट करता है। अच्छी मतलब बात सेल्फ ये स्ट्रांग होंगे, बोल्ड होंगे। हाँ, वो तो अच्छी बात है कि नाइन्थ का लॉर्ड सूर्य भी यहाँ पे है, जो कि लक को डिनोट करता है, तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन अपने को हेल्थ का बहुत ध्यान में देकर चलना है, खासकर अपने इस वाले पार्ट को जो मैंने आपको बताया थायराइड। बाकी खुद के अंदर एनर्जी लेवल अच्छा आ जाएगा, पॉजिटिविटी ज़्यादा दी। चलिए, 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर, शनि की पहली राशि, इनका तो सेकंड हाउस में उदय होगा, तो इनके लिए क्या हेल्थ के लिए ठीक होगा, वेल्थ के लिए और अपने साइन में? बिल्कुल दोस्तों, इनको बहुत तगड़ा यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज कैप्रिकॉन भी शनि का साइन और वेल्थ वाला हाउस, दोस्तों सेल्फ और वेल्थ यहाँ पे मिले, यानी कि अपने बलबूते अपने एफर्ट से विदाउट गॉड फादर जो लोग पैसा कमाना चाह रहे थे उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दोस्तों कहते हैं कि एक बार मतलब वक्त वक्त के बाद आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप ये नज़र पार के होनी चाहिए, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। दोस्तों ये वाला टाइम है यहाँ पे पैसा कमाने की, काम बढ़ाने की, इन्वेस्ट करने की अच्छी खासी आपके पास वो आएंगी दोस्तों अपॉर्चुनिटीज, अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप जागृत हो, आप जाग रहे हो आप, तो ये आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। अगर आपने ग्रैब कर ली तो यहाँ पे आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी यहाँ पे। और दोस्तों जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर हैं, जो लोग बोल कर पैसा कमाते हैं, आरजेस हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, लॉयर हैं, इस तरह के फील्ड के अंदर, उनके लिए एक कहते हैं गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी, शनिदेव की दोस्तों बहुत बड़ी कृपा, इनके लिए दोस्तों बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। सेकंड हाउस दोस्तों परिवार का होता है, शनि कहीं ना कहीं धार्मिकता की तरफ भी लेके जाता है, तो दोस्तों परिवार में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अच्छे काम मंगल कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं हवन होते हैं दोस्तों, इस तरह की चीज़ें होते हैं, यज्ञ होते हैं। तो ये वाला टाइम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और मैं कहूँगा दोस्तों इस समय टाइम है कुछ भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं परचेज करें, तो आपने डायमंड गोल्ड लिए तो गोल्ड लेकर लॉकर में डाल दें, जमीन ले तो लॉन्ग टर्म के लिए जमीन लेकर छोड़ दें, म्यूचुअल फंड लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर छोड़ दें, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर का हो गया, 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, शनि की दूसरी राशि, इनके तो फर्स्ट हाउस में ही उदय हो रहा है, तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इनके लिए अच्छा हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, कैप्रिकॉन की एक बात बता दूँ दोस्तों, सेकंड हाउस जो होता है वो बनती है आपके राइट आई, अगर दोस्तों आपका ये सर है तो ये बनता है आपका, ये जो आपके राइट आई ये बनती है सेकंड हाउस, लेफ्ट आई बनती है दोस्तों आपका ट्वेल्थ हाउस। तो ये सेकंड हाउस में चेंज शनि सूर्य दोस्तों, सूर्य भी कहीं ना कहीं आंखों को ही डिनोट करता है रोशनी, तो इनको अपने राइट आई का बहुत ध्यान में रखना है, या इनफैक्ट आंखों को जिनको कैटरेक्ट के इशूज चल रहे हैं या जिनको कैटरेक्ट की सर्जरी ड्यू चल रही हो सकती है, यहाँ पर सर्जरी हो जाए उनकी दोस्तों, उनको ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाए या नाइट ब्राइटनेस नजर आए, ऐसी चीज़ होनी शुरू हो जाए। तो एक्वेरियस देखिए, तो एक्वेरियस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही कहीं ना कहीं शनि का एक्टिवेट होना इनको बहुत बल दे जाएगा दोस्तों, सेल्फ को बल मिलेगा, मतलब आपकी बॉडी को बल मिला, आपकी बॉडी को बल मिला मतलब आपकी एज को बल मिला, आपकी एज को बल मिला मतलब आपके कहीं ना कहीं आपके लक को बल मिला, आपके पैसे को बल मिला, धन दौलत सबको बल मिला दोस्तों, ये बेनिफिट होगा यहाँ पे। साथ में दोस्तों सूर्य भी है जो कि अगेन केंद्र का लॉर्ड है, बल आपका और बढ़ गया बुध जो कि आपकी कुंडली में फिफ्थ लक का लॉर्ड है, दोस्तों फिफ्थ इन फर्स्ट सेवन्थ इन फर्स्ट, त्रिकोण केंद्र और दोस्तों केंद्र, तो केंद्र त्रिकोण का दोस्तों बना तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, विष्णु जी का आशीर्वाद, आपके खुद के एफर्ट्स का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दोस्तों, ये इनके लिए एक्वेरियस वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसके 30 साल के बाद कहीं ना कहीं चेंज बना है, तो इनको यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, वो आप चाहे जॉब से लेकर हो, काम से लेकर हो, बिजनेस से लेकर हो, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर हो, बहुत बड़ा बेनिफिट दोस्तों कुंभ वालों के लिए। ये जो शनि चेंज हुआ था 17 जनवरी को, ये 17 जनवरी को दोस्तों शनि आया था कुंभ राशि के अंदर, कुंभ में आया था दोस्तों,
उसके बाद दोस्तों 17 जनवरी और 5 मार्च, ये उसको एक लेवल ऊपर ही लेके जाना है। तो कुंभ वाले जागे खड़े हैं, अपने मिशन को अकम्प्लिश करें, ऐसा दोबारा टाइम दोस्तों आने वाला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया 12 लग्नों का कि शनि उदयगा इन सब पे क्या असर रहेगा। पाइसेस पड़ेगा जी, पाइसेस रहता है। ओ ठीक है, 12 नंबर पाइसेस मीन गुरु की दूसरी राशि, 12th हाउस में इनका उदय हो रहा है, तो इनके लिए कैसा रहेगा? फॉरेन ट्रेवलिंग हो सकती है। वैसे ही जमीनी लगन के बुध लगन के आप हो तो बुध दोस्तों हर चीज बहुत जल्दी होती है, तो ये जल्दबाजी में छोड़ कर चले गए। तो जमीनी वाले को दोस्तों खासियत होती है, ये हर काम बहुत तेजी के साथ करते हैं। मतलब पाइसेस यानी कि मीन, मीन यानी कि गुरु की राशि। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बार बात बताई थी कि पाइसेस का जो लॉर्ड है गुरु, अपनी ही राशि के अंदर देखिए, अब ये बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है पाइसेस के अंदर। 23 अप्रैल को दोस्तों मूव करके मेष में आ जाएगा, तो अब इनके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा? अब देखिए दोस्तों, 12th जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में एंड ऑफ, देखिए दोस्तों ये जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ पे, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, बच्चा छोटा बच्चा बड़ा हुआ होता 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 दोस्तों ये 12th हाउस आ गया, यहाँ पर जर्नी का एंड हो जाता है। जर्नी का मतलब इंसान बूढ़ा हो चुका है, किसी काम का नहीं है, अब शरीर के अंग साधे थे, बाल नहीं बचे, दांत नहीं बचे, आंखों से कम नजर आते, बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल मौत से पहले का जो टाइम दोस्तों, एंड ऑफ द जर्नी, वो हम लोग 12th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो टाइम होता है, ये टाइम होता है ठहरने का, मतलब पाइसेस वालों की बात करो, ठहरने का, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं देखने का, मुझे शांति, पैसे की चाहत नहीं होती, अपने को इज्जत की चाहत ज़्यादा होती है, अपने को कहीं ना कहीं ऊपर वाले से तार मिलाने की चाहत ज़्यादा होती है, शांति ज़्यादा चाहिए होती है। अब दोस्तों 12th का लॉर्ड 12th हाउस में आपकी शांति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। दोस्तों 12th हाउस खर्चों का भी होता है, और दोस्तों खर्चे जब इंसान जन्म लेता है तब भी खर्चे होता है, और इंसान जब मौत होती है इंसान की तब भी खर्चे कभी रुकते नहीं है। तो 12th हाउस का दोस्तों खर्चे जो होते हैं नेगेटिव खर्च होते हैं, नॉर्मली नेगेटिव खर्चे होते हैं 12th और 6th हाउस के, बट यहाँ पे अगर अच्छा प्लैनेट हो तो खर्चे पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोस्तों शनि 12th का ही लॉर्ड है, 12th हाउस में पावरफुल हो जाएगा, तो खर्चों में कहीं ना कहीं कटौती हो जाएगी, नेगेटिव खर्चों में कटौती हो जाएगी, मन को शांति मिलेगी, कहीं ना कहीं ठहराव आएगा। लेकिन क्योंकि शायद में दोस्तों सूर्य भाई जो कि आपकी कुंडली में 6th का लॉर्ड बनता है, डिजीज का लॉर्ड बनता है, 12th हाउस दोस्तों आपकी फीट को भी डिनोट करता है, पैर, अगर सर से लाइफ शुरू होती है तो पैरों पर लाइफ दोस्तों खत्म हो जाती है, उसको जो है 12th हाउस पैरों को डिनोट करता है। तो पैरों में दोस्तों दिक्कत, इनको सूजन रहती है पैरों में, पैर मोटे हो जाते हैं, सॉक्स नहीं पहनी जाती, शूज़ नहीं पहने जाते, बिकॉज पैर आपका आउट ऑफ साइज चले जाते हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज शनि जो होता है दोस्तों चीज़ों को फैलाता है, सूजन देता है। और ये जो 12th हाउस है दोस्तों वो होता है घुटनों से लेकर नीचे का हिस्सा जो होता है, जो नीज के नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत हो सकता है, वो दिक्कत रहे आपके साथ, क्योंकि सूर्य भी है तो नसें फूल जाती है दोस्तों, नसों में दिक्कत आ जाती है, टांगों में दिक्कत आ जाती है, टांगों में चलने में दिक्कत आ जाती है, तो जिनको पोलियो होता है उनका मूवमेंट क्या होगा दोस्तों, उनका शनि खराब होगा या 12th हाउस खराब होगा। अब तो पोलियो का टाइम नहीं रहा, अब तो ड्रॉप पे लाके दोस्तों पोलियो पे कंट्रोल कर लिया गया 100%, जब तक दोस्तों पोलियो तब तक शनि खराबी का, शनि जो है सुमित वो उसके लिए कोर्ट कचहरी के लिए भी, तो अगर किसी का कोर्ट कचहरी में खर्चे चल रहे हो तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। अब तो वही नेगेटिव एक्सपेंसिस बता रहा हूँ ना, नेगेटिव एक्सपेंसिस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेंसिस यहाँ पे चालू हो जाएंगे, मन को यहाँ पे दोस्तों शांति मिल जाएगी, यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हो कि ठहराव का टाइम आ गया, स्पिरिचुअलिटी का टाइम आ गया, और सबसे बड़ी बात 12th का लॉर्ड इन 12th हाउस और इतने पॉजिटिव नोट के साथ आपके फॉरेन ट्रैवलिंग करवाते हैं, खर्चे होंगे लेकिन घूमने फिरने में होंगे, स्पेशली फॉरेन ट्रैवलिंग के। और दोस्तों वो सभी लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हैं, जिनका काम सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक कुल मिलाकर चेंज दोस्तों अच्छा काफ़ी ज़्यादा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, 12 लग्नों की बातें हो गई, शनि उदयगा उनके सब पे क्या असर रहेगा, ये तो है जनरल। अगर आप चाहें तो मैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना, कोई रेमेडी तो नहीं, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।